92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अनुलता राज नायर की लिखी कहानी ट्रैफिक सिग्नल। मोनिका की कार जैसे ही चौराहे पे पहुंची, ट्रैफिक लाइट रेड हो गई और वो हमेशा की तरह जल्दी में थी। उसने गुस्से में हाथ स्टीयरिंग पे मार दिया, मगर इससे लाइट को हरा तो होना नहीं था ना, वो तो पूरे 60 सेकंड के लिए लाल हुई थी। उल्टे उसके हाथ की 2-4 चूड़ियां टूट के चुभ गईं कलाइयों पर, जरा सा खून भी छलक आया। आज का दिन ही खराब है। सुबह दूध फट गया था सो ब्लैक टी से काम चलाना पड़ा, जबकि उसको खूब गाढ़े दूध की चाय पसंद है, वो भी मलाई मार के। अब तक आलस आ रहा था उसे और इसीलिए मूड भी खराब था। ऊपर से लाल सिग्नल, झल्ला गई मोनिका। तभी कार के कांच पर एक छोटे से लड़के ने अपनी उंगलियां धर दी। जैसे ही मोनिका की नज़र उस पर पड़ी, वो मुस्कुरा दिया और सुबह का ताज़ा अखबार खिड़की से चिपका दिया। मोनिका ने गुस्से से उसको देखा और हाथ से भाग जाने का इशारा किया। वो नाक से कोड़ के चिरौरी करने लगा। मोनिका को और गुस्सा आ गया। तब तक सिग्नल हरा हो गया और मोनिका ने जोर से हॉर्न मारा। लड़का डर के पीछे हो गया, उसने गाड़ी बढ़ा दी। उसे आज भी स्कूल के लिए देर हो गई थी। जैसे आजकल के लड़के लड़कियों का रूटीन होता है, वैसा ही मोनिका का भी था। रात देर तक कंप्यूटर पर बैठना, चैटिंग, ब्लॉगिंग, मैसेजिंग, फिर आता नींद का नंबर। सो सुबह वक्त से आंख तो खुलने से रही। खैर, इस सब के बावजूद अपनी नई नई टीचिंग जॉब में खुश थी मोनिका। बच्चों के बीच बच्चा बने रहने का भरपूर मौका जो मिल रहा था। ट्रैफिक लाइट में मिला वो लड़का मोनिका को अगले दिन भी दिखा और फिर उसके अगले दिन भी। वही सांवले चेहरे पे चमचमाती बत्तीसी, टुकुर टुकुर ताकती आंखें और वही नाक सिकोड़ के चिरौरी। मोनिका को गुस्सा आया कि यार नहीं लेना पेपर, रोज मुफ्त में मिल जाता है स्कूल में। तभी उसने फिर शीशा खटखटाया। मोनिका ने कांच नीचे किया, गुस्से में पूछा, क्या है? पेपर ले लो दीदी, दुनिया भर की खबरें हैं इसमें, आपको भी पता होना चाहिए ना। अच्छा, मुझे ज्ञान दे रहा है, चल भाग। मोनिका ने कांच ऊपर करते हुए कहा। सिग्नल ग्रीन हो गया था। स्कूल में जाते ही टेबल पे पड़े अखबारों के ढेर पे नजर गई। मोनिका ठिठकी, वाकई मुझे पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। और उस बच्चे की मुस्कुराहट मोनिका के होठों पे भी खेल गई। कोई 10-11 साल का रहा होगा वो बच्चा, मगर उम्र से कितना ज्यादा समझदार लगता था। ऐसे कितने लोग ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं मगर कहाँ याद रह पाते हैं। गोद में मैले कुचैले छोटे छोटे बच्चों को लिए औरतें, गर्मियों में कार के शीशों पे लगाने वाली काली शीट बेचती औरतें, गुब्बारे वाले, तिरंगा बेचने वाले, ऐसे न जाने कितने लोग सिग्नल पे 1-2 मिनट के लिए रुकने वाली गाड़ियों के आसपास मंडराते हैं। वाकई ट्रैफिक सिग्नल की भी अपनी एक छोटी सी दुनिया होती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी ट्रैफिक सिग्नल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बच्चों के एक बढ़िया स्कूल में टीचर थी मोनिका। स्कूल जाने के रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पे उसको रोज रुकना पड़ता था और एक दिन उसको वहां मिला अखबार बेचता एक लड़का। अब आगे। उस रोज मोनिका की नींद जल्दी खुल गई। फटाफट तैयार होकर वो निकलने लगी तो देखा अभी 5-10 मिनट बाकी हैं, सो वो बरामदे में बैठ के अखबार पलटने लगी। गुलजार साहब को दादा साहब फालके पुरस्कार मिला था। हेडलाइंस पे सरसरी नजर डाल के वो निकल पड़ी। उस दिन फिर चौराहे पर सिग्नल पे कार रुकी और वो लड़का शीशे पे उंगलियां टिका के खड़ा हो गया। मोनिका ने शीशे नीचे किए, उसकी आंखें चमक उठी। वो पेपर आगे बढ़ाता इससे पहले मोनिका ने कहा, गुलजार को दादा साहब फालके पुरस्कार, यही है ना पेपर में, चल जा, मुझे भी पता है क्या हो रहा है दुनिया में। अच्छा, IPL के कल के मैच में कौन जीता?
लड़के ने सवाल दागा। तभी सिग्नल हरा हुआ और उसने फुर्ती से कार दौड़ा दी। बाबा रे, कितना चालाक लड़का है, अपना अखबार बेचने के लिए मेरा जीके टेस्ट लेने पे तुला है। स्कूल पहुंच के मोनिका ने सबसे पहले खेल की दुनिया की खबरों पर नजर डाली। अगली सुबह तैयार होते हुए उस लड़के का ख्याल अनायास ही मोनिका के मन में आया। सिग्नल पे पहुंचते ही उसने नजरें इधर उधर दौड़ाई, तभी लड़का आके खड़ा हो गया। मोनिका ने पर्स खोल के पैसे निकाले और उससे अखबार ले लिया। लड़के की बातें खिल गईं। इतना खुश कोई एक अखबार बेच के हो सकता है, ये उसने नहीं सोचा था कभी। थैंक यू दीदी, वो चहका। मोनिका मुस्कुरा दी। आज उसको एक अजीब सा सुकून मिला था। इसी तरह वो लड़का रोज मिलता था बिना नागा किए, और वो रोज उसी से अखबार खरीदती बिना नागा किए। और कभी अगर सिग्नल हरा भी मिलता तो मोनिका गाड़ी धीमी कर लेती और चौराहे तक पहुंचते पहुंचते सिग्नल फिर लाल हो जाता और दोनों की छोटी सी मुलाकात मुकम्मल हो जाती। शुरू में हर रोज वो उससे एक सवाल पूछती और वो जवाब देता। इससे ज्यादा वक्त मिलता भी कहाँ था उनको। क्यों रे, क्या नाम है तेरा? आकाश, बड़े गर्व से उसने बताया। वाह, ये तो मेरा पसंदीदा नाम है। अगले रोज मोनिका के मिलने से पहले आकाश ही पूछ बैठा, आपका नाम क्या है दीदी? वो मुस्कुराई, मोनिका। ओ, मगर ये मेरा पसंदीदा नाम नहीं है। अच्छा, तो तुम कहो तो नाम बदल लूं, मोनिका ने उसको छेड़ा। झेपता हुआ भाग गया आकाश। मोनिका सोचने लगी, मैंने पहली बार अपने जीवन में यूं राह चलते किसी को अपना नाम बताया होगा, वरना कभी भी किसी बस या ट्रेन में कहां किसी से बातचीत करने की कोई कोशिश की, न किसी से उसका नाम पता पूछा, न ही खुद बताया। मगर न जाने क्यों ये नन्हा सा लड़का बड़ा अपना सा लगता है, बेहद आत्मविश्वासी और ईमानदार भी। मोनिका बड़ी इंप्रेस थी उससे। तभी बेल बज गई और मोनिका अपनी क्लास की ओर चल दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677-505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी ट्रैफिक सिग्नल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, ट्रैफिक सिग्नल पे अखबार बेचने वाले लड़के ने अपनी चतुराई और जिद से मोनिका को अखबार खरीदने पे मजबूर कर दिया था, और फिर सिग्नल पे उनकी मुलाकात का नियम सा बन गया था। अब आगे, अगले दिन मोनिका का सवाल था, आकाश तो पढ़ता लिखता भी है या यूं ही सड़कों पे पेपर बेचता फिरता है? उसके लहजे में आकाश के लिए फिक्र थी। हाँ, पढ़ता हूँ ना दीदी, पापा की तनख्वाह से काम नहीं चलता, इसलिए बस सुबह सुबह ये काम करता हूँ, फिर बस्ती के स्कूल जाता हूँ, फिर घर आके पढ़ता भी हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ, अपनी कक्षा में फर्स्ट आता हूँ हमेशा, उसने शान से गर्दन ऊंची करके कहा। शाबाश, मोनिका मुस्कुरा दी। अगले दिन सुबह तैयार होते समय मोनिका की नजर बुकशेल्फ पे पड़ी। उसने एक शब्दकोश, एक एनसाइक्लोपीडिया और कुछ कहानी की किताबें उठा के अपने बैग में ठूस ली आकाश के लिए। किताबें देख के बच्चा खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में पढ़ने की खूब इच्छा दिखाई देती थी। थैंक यू दीदी, वो चिल्लाता हुआ भाग गया। आज वो पेपर देना ही भूल गया था। बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं। मोनिका ने एक्सेलरेटर पर पांव दबा दिया। हर दिन घर से निकलते समय मोनिका एक आध सवाल सोच लेती जो वो आकाश से पूछना चाहती थी, जिससे उस एक मिनट के सीमित समय में वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पाए आकाश के बारे में। क्यों आकाश, तू क्या यहीं आसपास ही रहता है, इतनी सुबह आ जाता है हर रोज? हाँ दीदी, यहीं ब्रिज के नीचे वाली बस्ती में रहता हूँ। आप कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं? शायद वो भी घर से सवाल तैयार करके आता था। मोनिका मुस्कुराई। मॉडल स्कूल। सिग्नल ग्रीन हुआ। मोनिका को ऐसा लगा जैसे कैदियों से मिलने का वक्त तय रहता है ना, वैसे ही आकाश की उससे मिलने की समय सीमा भी तय थी, 60 सेकंड। घर से मोनिका का स्कूल तकरीबन 15 किलोमीटर था, और ये सिग्नल घर से 7 किलोमीटर पर था, यानी आधा रास्ता वो आकाश से मिलने की उम्मीद लिए काटती और बाकी का आधा उससे हुए संवाद के बारे में सोचते हुए। उसे ध्यान आया कि जिस बस्ती की बात आकाश कर रहा है वो पुल के नीचे बसी है। वहां एक और फ्लाईओवर बनना प्रस्तावित है, इसलिए वो बस्ती कभी भी हटाई जा सकती है। मोनिका ने मन ही मन दुआ की कि आकाश का घर हमेशा सलामत रहे। अनजाने ही उस लड़के की कितनी फिक्र होने लगी थी मोनिका को। वो खुद हैरान थी आकाश के प्रति अपने इस झुकाव पर।
अगले रोज कार रुकते ही मोनिका ने पूछा, अच्छा ये बता तूने कैसे जाना कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ? मैंने तो कभी नहीं बताया तुझे। अरे इतनी सुबह क्या कोई ऑफिस लगता है? सारे अच्छे स्कूल सुबह सुबह ही लगते हैं। वो ज्ञानियों की तरह बोले जा रहा था। क्यों तेरा स्कूल अच्छा नहीं है क्या? मोनिका ने टोका, तू तो सुबह यहाँ सिग्नल पे भटकता रहता है। एक पल को बच्चा मायूस हो गया, एक हल्का सा उदास बादल मानो उसके उत्साह पे पानी फेर गया हो, मगर अगले ही पल खिल गया इंद्रधनुष। नहीं नहीं बहुत अच्छा स्कूल है, मैं जो पढ़ता हूँ और फर्स्ट आता हूँ हमेशा। अब दोनों खिलखिला के हंसने लगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677-505-6677। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी ट्रैफिक सिग्नल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आकाश ने मोनिका को बताया कि वो बस्ती के स्कूल में पढ़ता है और फर्स्ट आता है। मोनिका उसकी उमंग देख के खुश थी, उस अनजान बच्चे के लिए उसके मन में प्यार उमड़ने लगा था। अब आगे सिग्नल पे आकाश से मिलना मोनिका की आदत बन चुकी थी और आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब आकाश उससे न मिला हो। कितने अभावों में पल रहा था आकाश। मोनिका जब उसको देखती तब उसकी आंखें पढ़ने का प्रयास करती, मगर वो कभी उदास नहीं दिखता था। जीवन के प्रति गजब का उत्साह था उसमें और एक सकारात्मकता भी। कभी कभी कोई साधारण सा इंसान भी आपको बड़े बड़े पाठ पढ़ा देने की क्षमता रखता है और आकाश वैसा ही बच्चा था। अक्सर जब कुछ सवाल जवाब नहीं कर रहे होते दोनों तो आकाश कोई गीत गुनगुनाता रहता। बड़ा मीठा गाते हो तुम, मोनिका कहती। बस्ती का किशोर कुमार हूं, वो गाने को बीच में रोक के कहता। कमाल का लड़का है, अपनी तारीफ खुद भी करने से बाज नहीं आता। उसका खिलंदड़पना भी ऐसा था कि बस प्यार आ जाए। उस रोज सुबह मोनिका सो के उठी तो सर दर्द से भन्ना रहा था। माँ चाय देने आई तो उसको बिस्तर पे पड़ा देख के हैरान हो गई। माथे पे हाथ रख के बोली, अरे तुझे तो बुखार है, चेहरा भी कितना उतरा हुआ है। हाँ माँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो ले लेना छुट्टी, माँ ने कहा, कौन सा तेरे ना जाने से स्कूल में ताले पड़ जाएंगे। मोनिका के दिमाग में ट्रैफिक सिग्नल वाला चौराहा घूम गया। आज मुझे ना देख के आकाश शायद उदास हो जाए, या क्या पता ध्यान ही ना दे। सोचते सोचते मोनिका खुद उदास हो गई। दो दिन के बाद सिग्नल पे मोनिका को देखते ही आकाश की बाछें खिल गईं। आप कहाँ चले गए थे दीदी, दो दिन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा, ना काम करने में मन लगा ना पढ़ाई में। थोड़ा तबीयत खराब थी आकाश, क्या करती मैं, मोनिका ने प्यार से कहा। मुझे लगा ही था कि आप बिना कारण छुट्टी नहीं लोगे, मैं भी नहीं लेता, 100% अटेंडेंस होती है मेरी। वो फिर इतराया। गुड बाय, मोनिका ने हंसते हंसते कार आगे बढ़ा दी। आकाश की बात से मोनिका का मन भर आया। कैसा अनोखा रिश्ता बन गया था दोनों के बीच, एक अदृश्य सी डोर से बंधा स्नेह का रिश्ता। मोनिका अपनी क्लास में पहुंच के अटेंडेंस रजिस्टर खोल के बच्चों के नाम पुकारने लगी। आज पहली बार उसने ध्यान दिया कि उसकी क्लास में आकाश नाम के 3 बच्चे थे और उनसे उसने कभी नहीं कहा था कि यह उसका पसंदीदा नाम है। रजिस्टर बंद करके मोनिका पढ़ाने की तैयारी करने लगी। 60 बच्चों की क्लास में एक ने भी नहीं पूछा कि मैम आप 2 दिन क्यों नहीं आई, बल्कि उसने 2 लड़कों को फुसफुसाते हुए सुना कि यार इतनी जल्दी ठीक हो गई है, 2-4 दिन और पड़ी रहती तो क्या चला जाता। फिर दोनों अपनी हथेलियों पर मुंह दबा के हंसने लगे। मोनिका उदास हो गई। अगले दिन घर से निकलने के पहले मोनिका ने फ्रिज से कुछ चॉकलेट निकाल के आकाश के लिए रख ली। उसकी छोटी छोटी हथेलियों पर अखबार के पैसों के साथ उसने चॉकलेट्स भी रख दी। उसका चेहरा खिल गया। आज क्या आपका हैप्पी बर्थडे है, उसने पूछा। नहीं आज नहीं, 6 फरवरी को होता है, तेरा कब आता है, आकाश हंसने लगा। आज ही है। सिग्नल हरा हो गया। मोनिका उसका चेहरा ताकती रही। पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज से उसका ध्यान टूटा और उसने कार आगे बढ़ाई। सारा दिन वो सोचती रही कि क्या सचमुच आज ही उसका जन्मदिन था या वो यूं ही कह रहा था। अगले दिन उसने कार रुकते ही सवाल दाग दिया, सच बता क्या कल तेरा वाकई जन्मदिन था या बुद्धू बना रहा था अपनी दीदी को। मुझे क्या पता दीदी कब है मेरा जन्मदिन,
उसी दिन माँ मर गई थी तो किसी ने तारीख याद भी नहीं रखी। दीदी मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और फिर किसी की माँ को मरने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में उदासी थी मगर अगले ही पल वो फिर हंसने लगा। इसीलिए जिस दिन मुझे कहीं से चॉकलेट या केक मिल जाता है मैं उसी दिन को जन्मदिन समझ लेता हूँ। अच्छा आइडिया ना दीदी, वो पूछ रहा था। मोनिका ने कहा कुछ नहीं, बस कुछ सोचती हुई चल दी वहां से। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677-505-6677। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी ट्रैफिक सिग्नल। इस कहानी में अब तक आपने सुना मोनिका की तरह ट्रैफिक सिग्नल पे मिला बच्चा आकाश भी उससे जुड़ने लगा था। उसके बीमार होने पे फिक्र कर रहा था। उसने मोनिका को बताया कि उसकी माँ की मौत उसके जन्म के दिन ही हो गई थी। अब आगे। उस दिन सिग्नल पे कार के रुकते ही आकाश कार के शीशे खटखटाने लगा। अरे ठहर ना, क्या कांच तोड़ेगा, मोनिका ने शीशे उतारते हुए कहा। आकाश ने मुट्ठी भर चॉकलेट मोनिका के हाथ में रख दी। उसका चेहरा चमक रहा था। अरे आज मेरा बर्थडे थोड़ी है, क्यों लाया चॉकलेट? दीदी आज मेरा रिजल्ट आया और फर्स्ट आया हूँ मैं, सभी विषयों में पूरे पूरे मार्क्स मिले हैं मुझे। उसका सीना चौड़ा हुआ जा रहा था। मोनिका भी बहुत गर्व महसूस कर रही थी। खूब आगे जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी लाल सिग्नल ना आए, मोनिका ने उसको आशीर्वाद दिया। घर पहुंच के मोनिका ने माँ और पापा को उस बच्चे के बारे में विस्तार से बताया। पहले भी वो जिक्र कर चुकी थी और तब पापा ने डांट दिया था कि ध्यान रखना कहीं पर्स उठा के या चेन खींच के ना चला जाए। तो उसके बाद मोनिका ने उसका जिक्र घर में करना ही छोड़ दिया था। मोनिका के पिता शहर के नामी बिल्डर थे, पैसे और पहुंच की कोई कमी नहीं थी। पापा मैंने आपको वो आकाश के बारे में बताया था ना? कौन आकाश? अरे पापा वो ट्रैफिक सिग्नल वाला बच्चा। और आप कुछ कहें इससे पहले बता दूं कि इन 6-7 महीनों में मैंने हर दिन उससे बात की है, कभी उसने कोई बदमाशी नहीं की है। वो बहुत प्यारा होनहार और मेहनती लड़का है पापा। ठीक है, तो तुम आखिर चाहती क्या हो? पापा वो झुग्गी बस्ती के स्कूल में पढ़ता है, दिन भर पेपर बेच के पैसे कमाता है और फिर भी क्लास में फर्स्ट आता है। अच्छा, अब उसके पिता ने भी थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। तो पापा मैं चाहती हूँ कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, बल्कि पापा मैं चाहती हूँ कि आकाश मेरे स्कूल में पढ़े। कैसी बातें करती हूँ मोनिका, ऐसे कितने बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पे घूम रहे हैं, सबका ठेका तो हम नहीं ले सकते ना बेटा, पापा भुनभुनाए। सबका नहीं पापा, सिर्फ आकाश का, मोनिका के पापा ने फिर अखबार में सर घुसा लिया। मोनिका चुपचाप वहां से उठ गई। उसका दिमाग सारी रात उधेड़बुन में लगा रहा कि आखिर किस तरह वो आकाश की मदद करे और क्या उसका यह फैसला सही है, क्या आकाश उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इन्हीं ख्यालों में उलझे हुए मोनिका की नींद लग गई। सुबह उठने से लेकर ट्रैफिक सिग्नल तक का वक्त मानो पल में बीत गया। ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंची तो आकाश मिला, वैसा ही आत्मविश्वास भरा मुस्कुराता चेहरा। आज उसके साथ एक लड़का और था, आकाश से छोटा मगर सूरत से बड़ा चंचल लग रहा था। आकाश ने कहा, ये राजू है दीदी, मेरे पड़ोस में रहता है, इसकी भी माँ नहीं है सो पूरा दिन आवारागर्दी करता फिरता है। आज से मैं इसको अपने साथ रखूंगा और मेरी टीचर ने इसको भी स्कूल में दाखिला दे दिया है, मैंने अपनी पुरानी किताबें भी दे दी हैं इसको। सिग्नल हरा हो गया। जब ये छोटा सा लड़का अपने स्तर पे इतना आगे सोच सकता है तो क्या मैं आकाश का जिम्मा खुद नहीं उठा सकती? मोनिका ने मन ही मन पक्का फैसला कर लिया और आकाश का शुक्रिया भी अदा किया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677-505-6677। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी ट्रैफिक सिग्नल। इस कहानी में अब तक आपने सुना आकाश की समझदारी से प्रभावित होकर मोनिका ने आकाश को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फैसला कर लिया है। अब आगे। मोनिका ने अपने स्कूल में आकाश के दाखिले की बात की और साथ ही कई औपचारिकताएं भी पूरी कर ली।
अब वो अधीर थी अपनी मंजिल पाने के लिए। वाकई कितनी खुशी देता है किसी और को खुशी देना। आकाश से मोनिका को बहुत उम्मीदें थीं और वो समझती थी कि जिन अभावों में वो पल रहा है उनके रहते वो ज्यादा दूर नहीं चल पाएगा। कब तक अपनी इच्छाएं मार मार के खुश रह सकेगा वो बच्चा? उसका भोलापन, उसका बचपन, उसकी पॉजिटिव सोच पता नहीं किस मोड़ पे खत्म हो जाए। ये सब सोच के ही मोनिका ने आकाश की मदद करने की ठान ली थी। फिर उस दूसरे बच्चे के प्रति आकाश का रवैया भी तो कितना मच्योर था। गर्व से भर उठी थी मोनिका। वो आकाश की मदद करेगी, फिर आकाश राजू की। एक चेन ही तो है जो हमारे समाज को चलाती है, जीवन को सार्थक और सुंदर बनाती है। अगले दिन आकाश मिला तो मोनिका ने उससे कहा कि कल अपनी सारी मार्कशीट्स लेके आए। क्यों दीदी? उसने भोलेपन से पूछा। अरे मुझे देखना है कि तू फर्स्ट आता भी है कि नहीं। पक्का लाऊंगा दीदी, आप देख लेना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगले दिन वो एक तोड़ी मुड़ी पन्नी में अपनी सारी मार्कशीट्स मोनिका के हवाले कर गया। घर जाके उसने देखा कि वाकई पहली कक्षा से लेके अब तक हर साल उसको तकरीबन 95% से ज्यादा नंबर मिले हैं, और साथ ही कुछ निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता के भी सर्टिफिकेट थे। गुड, वाकई होनहार है बच्चा, तुम्हारा काम हो जाएगा, प्रिंसिपल ने मोनिका से वादा किया। मोनिका बहुत खुश थी और अब उसको सब्र नहीं हो रहा था कि कब आकाश का एडमिशन उसके स्कूल में हो जाए और वो उसी की क्लास में पढ़े। मोनिका ने आकाश को कुछ बताया नहीं, वो उसको सरप्राइज देना चाहती थी। उसने आकाश के लिए 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, स्कूल के जूते मोजे, टाई, बैग, यहां तक कि पानी की बोतल और लंच बॉक्स भी खरीद लिया था। उधर उसने अपने स्कूल के एक टीचर को जरिया बनाया और वो बस्ती में आकाश के स्कूल जाकर उसको दिए जाने वाली स्कॉलरशिप और बड़े स्कूल में एडमिशन की खुशखबरी दे चुके थे। 1-2 दिन में उसके एडमिशन की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। मगर हैरानी की बात थी कि आकाश ने मोनिका से कुछ कहा नहीं, जबकि वो पहले की तरह रोज ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते थे। वो पहले की तरह ही उसको अखबार बेचते हुए मिलता। 1-2 बातें उनके बीच होती और वो चल पड़ती। कभी कभी वो आकाश का चेहरा पढ़ने की कोशिश करती कि कहीं कोई छिपी हुई खुशी की झलक मिल जाए, मगर वो हमेशा एकदम नॉर्मल दिखता था। नया सेशन शुरू हो गया था, आज पहला दिन था। ट्रैफिक लाइट पे कार रोके मोनिका आकाश का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आया। सिग्नल ग्रीन होने पे भी वो वहीं खड़ी रही, मगर आकाश कहीं नजर नहीं आया। मनमनी सी मोनिका क्लास में पहुंची, अटेंडेंस लेना शुरू कर दिया। आकाश शर्मा प्रेजेंट मैम, आकाश नारंग प्रेजेंट मैम, आकाश शुक्ला प्रेजेंट मैम, आकाश, और ये चौथा। मोनिका ने चेहरा ऊपर उठाया। दूसरी बेंच पे बालों को तेल लगा के करीने से चिपकाए झकाझक सफेद शर्ट पहने उसका नन्हा दोस्त खड़ा हुआ था। प्रेजेंट मैम, अपनी पूरी बत्ती से दिखाते हुए उसने कहा। मोनिका का चेहरा भी खिल गया। वो खुद कुछ कहती इससे पहले ही वो बोल पड़ा, कैसा लगा दीदी सरप्राइज? मोनिका की पलकें भीग गईं और खुशी के आंसू छुपाने के लिए उसने वापस अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी आंखें गड़ा दी। बस इतनी सी थी ये कहानी।